वेलकम टू यूनिक इंडियन किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं आम का अचार। आम का अचार बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देखते हैं। आम को हमने बारीक पीसेस में कट कर लिया है। लहसुन को हमने दरदरा कुचल लिया है। काले मिर्च 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, मेथी, करी पत्ता, नमक, 1 चुटकी हल्दी पाउडर। अब हमें कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में मेथी दाना ऐड करेंगे और उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। और उसी में हम राई को ऐड करेंगे और उसे 5 सेकेंड तक भून लेंगे और स्टोव ऑफ कर देंगे। हमको मेथी दाना और राई को ज़्यादा देर भूनना नहीं है वरना वो जल सकता है, और उसे ठंडा होने देंगे। अब हम एक जार लेंगे, जार में मेथी दाना और राई को ऐड करेंगे। अब हम राई और मेथी दाने को पीस लेंगे। राई और मेथी दाने का पाउडर बनकर तैयार है। अब हमें कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में तेल ऐड कर लेंगे और उसमें लहसुन ऐड करेंगे और उसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हमारा लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे और उसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हम करी पत्ता ऐड करेंगे और उसे थोड़ा सा चटकने देंगे। अब हम स्टोव को ऑफ कर लेंगे और तेल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब तेल थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें राई और मेथी पाउडर जो हमने ग्राइंड कर लिया था उसे इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तेल को अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब हमारा तेल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें आम के पीसेस को ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा अचार बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसे एयरटाइट बॉक्स में ऐड करके स्टोर कर सकते हैं।